बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट प्रॉब्लम नंबर 4, चैप्टर नंबर 7। लास्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 3 सीख चुके हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट है मैक्सिमल एंड मिनिमल का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिनिमल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं एक सेट में कि जिस एलिमेंट को उस सेट का कोई और एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रीसीड ना करे। मैक्सिमल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं कि अगर एक एलिमेंट हमारे पास मैक्सिमल है तो उस सेट का कोई और एलिमेंट उसको स्ट्रिक्टली सक्सीड ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 4 में हमने मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स बताने इस ए फिगर के। ठीक है, अब ए फिगर में देखें, अगर हम फर्स्ट 4 की बात करते हैं, ठीक है, हम बारी बारी सबको देखते हैं, 4 की बात करते हैं, तो अगर हम इसको मिनिमल देखते हैं तो कोई और ऐसे एलिमेंट नहीं है जो इसको प्रिसीड कर रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि 4 मेरे पास मिनिमल में काउंट हो सकता है। लेकिन अगर मैक्सिमल की बात करें तो 4 के ऊपर एक है जो इसको सक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन ये मैक्सिमल नहीं है, ये हमारे पास मिनिमल में काउंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के ऊपर भी एक है जो इसको सक्सीड कर रहा है और 2 के नीचे भी एक है जो इसको प्रीसीड कर रहा है। इट्स मीन 2 ना मैक्सिमल में आ सकता है ना मिनिमल में आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 के नीचे ये 2-3 हैं जो इनको प्रीसीड कर रहे हैं, और बाय ट्रांसिटिविटी 4 भी 1 को प्रीसीड कर रहा है और 5 भी 1 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, लेकिन 1 के ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको सक्सीड कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई एक और अगर 6 कोई ऐसा ऊपर नहीं है जो इसको सक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि 1 मेरे पास मैक्सिमल में काउंट हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम 3 पे आ जाते हैं तो जैसे कि 2 की बात ही ऐसे 3 पे भी है कि 3 के नीचे भी एलिमेंट है जो इसको प्रीसीड कर रहा है और 3 के ऊपर भी है। इसका मतलब ना 3 मैक्सिमल में काउंट हो सकता है ना मिनिमल में काउंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम 5 को देखें तो 5 के कोई और नीचे नहीं है जो इसको प्रीसीड कर रहा है। इसका मतलब 5 मिनिमल में आ सकता है, लेकिन 5 के ऊपर 2-2 पड़े हुए हैं और बाय ट्रांसिटिविटी 1 भी 5 को सक्सीड कर रहा है, तो हम 5 को मैक्सिमल में नहीं बल्कि मिनिमल में काउंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये 4 और 5 दो मिनिमल हैं। देखें यहाँ पर अब मिनिमल यूनिक नहीं है क्योंकि 2 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल एक मिलेगा तो वो यूनिक होगा और वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी आगे हम फर्स्ट और लास्ट का भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि 2 एलिमेंट्स हैं जो मिनिमल है और 1 है जो मैक्सिमल है। अब अगर हम इनकी रीज़न लिखें तो 4 और 5 मैक्सिमल एलिमेंट इसलिए हैं बिकॉज नो एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड 4 एंड 5। कोई और एलिमेंट इन दोनों को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा। ठीक है, देर इज़ मिस्टेक, वो उनको स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा। और अगर 1 के लिए रीज़न लिखेंगे तो कोई और ऐसे एलिमेंट नहीं है जो 1 को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा हो। तो ये आपकी बुक की वर्डिंग है सिंपल कि नो एलिमेंट्स विच आर स्ट्रिक्टली प्रीसीड 4 एंड 5। कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 और 5 को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे। स्ट्रिक्टली प्रीसीड का मतलब 4 और 5 मैं ले रही हूँ तो उनके दरमियान कोई थर्ड एलिमेंट नहीं आना चाहिए। जैसे अगर 4 मेरे पास स्ट्रिक्टली प्रीसीड है तो इसका सक्सेसर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो 4 एंड 5 आर मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ ए। 2 एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड एक दूसरे को तब करेंगे, लाइक ए और बी स्ट्रिक्टली प्रीसीड तब होंगे जब उनके दरमियान कोई ऐसा सी लाए ना करता हो। ठीक है, कोई भी और सी, कोई भी और एलिमेंट उन दोनों के दरमियान ना लाए करता हो। ठीक है, तो वो फिर एक दूसरे को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे। नो एलिमेंट विच स्ट्रिक्टली सक्सीड 1। ठीक है, कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 को सक्सीड कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि 1 इज मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिनमें मैक्सिमल और मिनिमल का कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, तो वहाँ से आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास इनिशियल स्टेटमेंट की तरफ है। ओके, यहाँ पर बात है कि ए हैज़ नो फर्स्ट एलिमेंट। ओके, लास्ट एलिमेंट इज 1 सिंस 1 सक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर देखें, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 और 5 दो मिनिमल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ये यूनिक नहीं है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक हो, यानी कि एक हो,
तो फिर वो हमारे पास जो मिनिमल वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और जो मैक्सिमल वाला एलिमेंट होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, बिलफर्ज अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना लेती हूँ, लाइक जैसे हमें पता है कि 2 डिवाइड करता है 4 को और 4 डिवाइड करता है 8 को। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी की मैंने बनाई है तो 2 जो कि इन सब को प्रिसीड कर रहा है, तो 2 एक मिनिमल है और यूनिक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट भी होगा। ठीक है, 2 मिनिमल है और 2 फर्स्ट एलिमेंट भी होगा, और 8 जो इन दोनों को सक्सीड कर रहा है, ठीक है, 4 को सक्सीड कर रहा है और बाय ट्रांसिटिविटी ये 2 को भी सक्सीड कर रहा है, तो ये मेरे पास मेरा मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट इसलिए है कि कोई और ऊपर नहीं है जो इसको सक्सीड कर रहा है, और ये मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक है, यानी कि एक अकेला है, तो ये मेरे पास लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, सिंपल के मैक्सिमल और मिनिमल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो यूनिक हो तो फिर जो मिनिमल होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो मैक्सिमल होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 और 5 2 मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, ऑल दो वी हैव 2 मिनिमल एलिमेंट्स बट देर इज़ नो फर्स्ट एलिमेंट, कि 2 मिनिमल तो हैं हमारे पास लेकिन कोई फर्स्ट नहीं है, बिकॉज मिनिमल एलिमेंट्स आर नॉट यूनिक, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। ओके, अब 1 एक मैक्सिमल एलिमेंट है, ऑल्सो 1 इज लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो सबको सक्सीड करे। ठीक है, 1 इज लास्ट एलिमेंट बिकॉज इट सक्सीड एवरी अदर एलिमेंट। ये सेट ए के बाकी सब एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है, ठीक है, और अकेला है जो सक्सीड कर रहा है, मतलब यूनिक भी है, तो ये जो मैक्सिमल होगा वो फिर मेरे पास लास्ट एलिमेंट भी होगा। ठीक है, प्रॉब्लम 5 की तरफ आते हैं, जिसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इनिशियल सेगमेंट। ठीक है, ये जो पी ऑफ ए का सेट है, दिस इज इनिशियल सेगमेंट्स, ये हमारे पास कुछ इनिशियल सेगमेंट्स हैं। अब हम लर्न करते हैं कि इनिशियल सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम एक ए एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट बना रहे हैं, पी ऑफ ए से मुराद है कि हम ए का इनिशियल सेगमेंट बना रहे हैं, तो उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स, यानी कि वो तमाम एक्स आएंगे जो उस ए से छोटे होंगे। ठीक है, उस ए से छोटे होंगे। ठीक है, ए से छोटे वाले तमाम एलिमेंट्स, और ये इक्वल का रिलेशन बता रहा है कि ए खुद भी आएगा। ठीक है, लाइक अगर हम ए के इनिशियल सेगमेंट बना रहे हैं तो अपने इनिशियल सेगमेंट में ए खुद भी आएगा और ए से नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक डायग्राम है, वही ए सेट हमारे पास है। ठीक है, जिसमें अगर हम 1 के इनिशियल सेगमेंट बना रहे हैं तो 1 खुद भी आएगा और 1 से नीचे ये सब भी आएंगे, क्योंकि ये सब 1 को प्रिसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब भी 1 के इनिशियल सेगमेंट्स में आएंगे। अगर हम 2 का बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि 2 में 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 जो है वो 2 के ऊपर है, तो हमने तो नीचे वाले एलिमेंट्स लेने ना जो उसको प्रिसीड करें, तो इतने तो नहीं आएंगे, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान कोई बात नहीं है, हमें नहीं पता 2-3 को प्रिसीड कर रहा है या सक्सीड कर रहा है, तो ये दो एलिमेंट्स तो स्किप हो गए। ठीक है, तो 2 आएगा खुद और 2 के नीचे वाले दोनों 4-5 आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैंने 3 का देखना है तो 2 तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, और 3 किसी भी तरह ट्रांसिटिविटी से 4 से भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये तीनों तो नहीं आएंगे, क्योंकि 1 भी सक्सीड कर रहा है, तो 3 के नीचे सेगमेंट में सिर्फ 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, और 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 4 अकेला आ जाएगा। हमने नीचे वाले देखने ना, जितने नीचे उसको उससे प्रिसीड कर रहे हो, 5 है, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 5 अपने इनिशियल सेगमेंट खुद होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपली इनिशियल सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम 7.6 है, कंसिडर द ऑर्डर्ड सेट ए इन फिगर 7.9। जो फिगर 7.9 है वो हमारे पास ये, ठीक है, इस ये एक ऑर्डर्ड सेट हमें गिवन है। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट है मतलब पॉज सेट है। ठीक है, पॉज सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन रिलेशन होल्ड करें तो वो हमारे पास ऑर्डर्ड सेट, यानी कि पॉज सेट का सेट होता है। ठीक है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट जिसे कहते हैं। लेट एल ऑफ ए डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल चेन्स लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट्स, यानी कि एल ऑफ ए हमने इनकी वो तमाम कलेक्शन लेनी है, वो तमाम जो आपस में चेन बना रही हूँ। ठीक है, और चेन जो है वो लीनियरली ऑर्डर्ड होती हैं, और चूंकि हम उनके कलेक्शन ले रहे हैं, मतलब हम इस ए में से हम चंद एलिमेंट्स उठाएंगे, ठीक है, जो कि लीनियरली ऑर्डर्ड होंगे, तो इट्स मीन कि वो इसके सबसेट्स होंगे विद 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, हमने ऐसे सबसेट्स लेने जो इटसेल्फ चेन हो, ठीक है, और लीनियरली ऑर्डर्ड हो। ऑब्वियस है कि अगर वो चेन है तो वो लीनियरली ऑर्डर्ड लाजमी होगा। ठीक है, चेन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं चेन में जो आपस में कंपेरेबल होते हैं। ठीक है,
एंड लेट एलोफे बी ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूएन, और उन एलोफे यानी कि वो तमाम एलोफे जिनकी हमने सारी कलेक्शन चेन की सब कलेक्शन हम लेंगे वो एलोफे का सेट होगा और उसको हम सेट इंक्लूएन के रिस्पेक्ट से ऑर्डर्ड करेंगे। अभी हम समझते हैं कि सेट इंक्लूएन क्या होता है। एंड ड्रा द हेक्साडायग्राम ऑफ एलोफे, ठीक है, इन सिंपल वर्डिंग कि ए हमारे पास एक ऑर्डर सेट मौजूद है, उसकी तमाम चेन की कलेक्शन हम लेंगे और वो एक एलोफे का सेट होगा और उस एलो सेट ए की हम हेक्सा डायग्राम बनाएंगे सेट इंक्लूएन का ऑर्डर फॉलो करते हुए। ठीक है, ये हमारे पास वो डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हमने चेन के सबसेट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, चेन जो है वो दो एलिमेंट की भी हमें गिवन है और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले वन लेते हैं, तो वन हर एलिमेंट के साथ आएगा। ठीक है, जैसे वन टू ये एक चेन है, वन फोर ये भी एक चेन है। ये कैसे चेन है कि वन फोर को सक्सीड कर रहा है, ठीक है, और फोर वन को प्रीसीड कर रहा है, दोनों के दरमियान रिलेशन है। ऑब्वियस है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे को सक्सीड कर रहा है तो जाहिर सी बात है जिसको वो सक्सीड कर रहा है वो दूसरा एलिमेंट उसको प्रीसीड ही कर रहा होगा। ठीक है, वन थ्री वन फाइव का होगा। ठीक है, अब वन के साथ हमने दो दो दफ़ा मतलब एक एक एलिमेंट लेके बना लिया, अब वन के साथ हम दो दो एलिमेंट्स लेके भी बना सकते हैं, वन टू फोर, वन टू फाइव और वन थ्री फाइव। ठीक है, तो ये सारे हमने वन के साथ बनाए हैं। तो ये देखें वन के साथ बन रहे हैं वन टू वन फोर वन थ्री वन फाइव। अब तीन एलिमेंट अगर बनाने हैं तो वन टू फोर, ये वन टू फाइव और वन थ्री फाइव। अब टू पे देखते हैं तो टू फोर टू फाइव, इस तरह थ्री फाइव। अब यहाँ पर हमने एक एलिमेंट वाले चेन नहीं लेनी क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमने टू या टू से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स की चेन बनानी है। तो ये कुछ टोटल चेन हमारे पास बन चुकी है, अब इनके हम हेक्सा डायग्राम बनाएंगे सेट इंक्लूएन का ऑर्डर फॉलो करते हुए। ये हमने हेक्सा डायग्राम बनाई है। ठीक है, सेट इंक्लूएन का मतलब है कि ऊपर जो मैंने बड़ा सेट रखा है उसके नीचे मैंने वो सेट रखने हैं जो इसके अंदर पूरे पूरे कंटेन करते हो। ठीक है, लाइक सबसेट। ठीक है, इसके नीचे मैंने इसके सबसेट रख देने। ठीक है, जैसी बात है सबसेट इसी में से मैंने बनाया है ना, तो वो सब मैंने एलिमेंट्स इनके नीचे रखने, वो सेट मैंने इसके नीचे रखने जो पूरे पूरे इसके अंदर कंटेन कर रहे होंगे। जैसे अगर मैंने ऊपर वन टू फोर रखा है तो मैंने इसके नीचे वन फोर रखा है जो पूरा पूरा इस सेट के अंदर जा रहा है, टू फोर रखा है जो पूरा पूरा इस सेट के अंदर जा रहा है, और वन टू रखा है जो पूरा पूरा इस सेट के अंदर जा रहा है। तो ये जो मेरी इतनी सी डायग्राम है ये सेट इंक्लूएन है। ठीक है, मतलब जो भी मैंने नीचे उसके सेट रखा है वो सारा का सारा ऊपर वाले सेट में कंटेन करना चाहिए। अब जैसे वन टू फाइव है तो वन टू इस सेट में भी पूरा पूरा था, इस सेट में भी था, इसलिए मैंने ये इसके एंड पे और इसके फर्स्ट पे लिखा है ताकि ये दोनों इसके अंदर कंटेनमेंट के रिलेशन बता सकें। ठीक है, टू फाइव और वन फाइव ये भी दोनों पूरे पूरे इसमें कंटेन कर रहे हैं। वन थ्री फाइव है, ठीक है, जो कि थ्री एलिमेंट का सेट है, इसमें वन फाइव इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। ठीक है, वन थ्री और थ्री फाइव ये पूरे पूरे इसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है सेट इंक्लूएन। ठीक है, जिनको हमने इस तरह से ऑर्डर करना होता है कि जो नीचे हमने सेट लिखे हैं वो पूरे पूरे ऊपर वाले सेट में कंटेन करें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमने सीखा कि मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मिनिमल एलिमेंट्स वो होते हैं, ठीक है, जो मतलब वो एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट होगा जिसको सेट का कोई और एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रिसीड ना करे, और मैक्सिमल एलिमेंट वो होगा कि जिसको मतलब वो एलिमेंट मैक्सिमल होगा जिसको सेट का कोई और एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड ना करे। ठीक है, इस तरह इनिशियल सेगमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें वो खुद भी शामिल है और उसके वो अंदर वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो उसको प्रिसीड कर रहे होते हैं। और एलोफे में हमने इनकी चेन्स बनाई है, टू और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लेके हमने इसकी चेन बनाई है और उसके बाद हमने उसको सेट इंक्लूजन की तरह हेक्सा डायग्राम बना दी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकअल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।